दोस्तों आप देख सकते हैं यह पानी की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पर लहर चल रही है। तो आप देख सकते हैं यह पोंग डैम है, यहाँ पर ब्यास नदी का पानी इकट्ठा किया जाता है। ब्यास नदी जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट से आती है और यहाँ पर इसका पानी इकट्ठा होता है, पंजाब तक जाता है। ये हिमाचल की बहुत बड़ी नदी है, इसको गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पानी में आप पानी की आवाज़ आ रही है, यहाँ से मेरे ख्याल से 30 फुट की दूरी है नदी की। नदी के बीच में जाना नहीं चाहता कि नदी का पानी जो होता है कोई पता नहीं कब पड़ जाए, तो इसलिए नदी से दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये पोंग डैम का पानी है जो ब्यास नदी के ऊपर ये बांध बनाया गया है, इसमें बिजली बनाई जाती है, इसके अंदर मछली पाई जाती है। आजकल जो मछली में झील बंद है ये, तो मछली मारते नहीं हैं। अब 2 महीने तक ये नदी में मछली मारना बैन है, तो 2 महीने के बाद यहाँ पर मछली मारी जाती है। तो आप देख सकते हैं ब्यास नदी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। ब्यास नदी तो आपने देखा पीछे छोटा सा नाला बहता है, मगर जब जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है कम से कम 50 किलोमीटर की चौड़ाई है, इतना इसके अंदर पानी इकट्ठा, और लंबाई तो इसकी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो लेटेस्ट मेरी जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। बरसात में हमेशा नदी के पास ना जाएं, नदी का पानी कभी बढ़ जाता है, नाले के बीच में ना जाएं। पहाड़ों में कभी भी आप घूमने आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उससे दूरी बना कर रहें, क्योंकि हम तो यहाँ के लोकल हैं, हमें पता है कि आज मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है इसलिए हम थोड़ा दूरी पर हैं, तो हम लोग थोड़ा बचाव कर लेते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है, और जिससे बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी पानी के अंदर लहर चल रही है, हवा चल रही है इधर, और कोई पता नहीं है कि आज मौसम ख़राब है। तो आप देख सकते हैं सूरज भी यहाँ पर अभी निकला नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है मगर क्लियर दिख नहीं रहा है। तो पानी कभी भी बढ़ सकता है, बारिश कहीं भी हो सकती है, हिमाचल बहुत बड़ा है तो ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट से होकर पानी आता है। तो नदी जो है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी दूर से आती है, एक तो ग्लेशियर का पानी इसके अंदर डलता है, दूसरा ये जो है काफ़ी दूरी से आती है, तो कोई पता नहीं यहाँ से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर कहीं बारिश हुई हो तो उसका पानी, यहाँ पर जो होते हैं बादल फटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ पर बादल फट जाता है तो बादल का जो पानी होता है एक साथ गिरता है, जिससे नदी का पानी एकदम बढ़ जाता है। तो इसलिए बरसात के मौसम में नदी के पास बिल्कुल ना जाएँ, दूर से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।